जब देखो तेरे कारण इस घर में कोई ना कोई तमाशा होता ही रहता है। आज भी सिर्फ तेरी वजह से दादी सा हम सबको इस घर को छोड़कर चली गई थी। अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब से तू वही करेगी जो मैं कहूं। ये पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो चुकी, 10वीं पास कर ली काफी है, अब किताबों की तरफ नजर उठाकर ही मत देख। जब दादी सा नहीं चाहती कि तू पढ़े तो तू नहीं पढ़ेगी, बात खत्म। चकिया, ये क्या कह रहा है तू? अरे घर में बड़ों के होते हुए तू ये फैसला कैसे ले सकता है? दादी सा तो सबसे बड़ी है ना बापू सा, क्या उनकी मर्जी का कोई मतलब नहीं है क्या? मासा का आदर हम सब करते हैं चकिया, और उनका निरादर करने की इच्छा किसी की नहीं थी। और तू ये जानता है कि आनंदी ने आगे पढ़ने की इच्छा क्यों जताई? अरे तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए। और तू है कि मैं इतना जानता हूं बापू साहब कि अगर आज दादी साहब को कुछ हो जाता, कुछ भी, तो मैं क्या जिंदगी भर आप भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते? मासा की जितनी फिक्र तुझे है ना जग्या, उतनी फिक्र हम सबको भी है। तुझे कोई अधिकार नहीं है सबके सामने आनंदी का इस तरह से अपमान करने का। अरे बींदनी हो तेरी तो बींदनी को क्या बीन की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए? मैंने ऐसी कौन सी नई या अनहोनी सी लगने वाली बात कह दी? सदियों से यही होता रहा है हर घर में, हर परिवार में। क्या इतना अधिकार भी नहीं है मेरा बींदनी पर है? पूरा अधिकार है, लेकिन एक बार ये तो सुन लीजिए कि फिर से पढ़ाई करने की बात मेरे मन में आई क्यों? क्योंकि तेरी आदत है सब कुछ अपनी इच्छा से करने की। नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे जाकर आप डॉक्टर बनने वाले, अपनी अनपढ़ बीनी के कारण आपको किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े सिर्फ इसलिए। ओ, अपनी गलती मेरे से डाल दी तूने, वाह। आनंदी जब कोई पेशेंट आएगा ना मेरे पास तो मेरी काबिलियत मेरी डिग्री देखकर आएगा, मुझसे ये नहीं पूछेगा कि मेरी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है। मैं किसी और की नहीं, आपकी बात कर रही हूं। आपकी बिन्नी हर तरीके से आपके लायक हो, आपके साथ उठने बैठने और बात करने की समझ रखती हो, ये नहीं चाहेंगे आप? मैं बस इतना चाहता हूँ कि दादी सा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिर बचपन में मुझे पढ़ाने को लेकर बापू सा से क्यों बात की थी आपने? दादी सा तो तब भी नहीं चाहती थी ना कि मैं पढ़ूं। अरे कितनी बार एक ही सवाल पूछेगी तू? बेवकूफ था मैं जो तेरा साथ दिया मैंने, खुश। अरे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इतना पढ़ लिख के करेगी क्या? और अगर पढ़ने का इतना ही शौक था तो अपने माँ बापू से कहती ना कि मेरा ब्याह मत करो, मुझे आगे पढ़ने दो। मैं तो हाथ जोड़कर तेरे घर पर नहीं आया था ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुझसे ब्याह कर ले। तू और तेरे माँ बापू ने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कही थी, अच्छी बिंदनी बनकर रहना इस घर में।
जो इच्छाएं तू अपने मायके में पूरी ना कर सकी, जबरदस्ती सबका दिल दुखा के अपने सासरे में पूरा करना चाहती है। क्यों चकिया, तू कैसे बात कर रहा है आनंदी से? ये इसी लायक है बापू सा, प्यार से बात करो तो सर पे चढ़ जाती है। चकिया, बापू सा मैं सच कह रहा हूं, दादी सा ने इसे हजार बार समझाया कि एक बहू का एक पत्नी का क्या फर्ज होता है, लेकिन ये बात समझने को तैयार ही नहीं। पढ़ लिख के कौन सा तीर मार लेगी? मुझे अपना फर्ज, अपना धर्म अच्छी तरह से याद है जगिया। और ये सब भी मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, लेकिन शायद आप भूल गए हैं कि अपनी बीनी पर अधिकार जताने और उसके जीवन से जुड़े फैसले लेने के अलावा भी एक बीन के बहुत सारे फर्ज होते हैं जो उन्हें निभाने चाहिए, और अधिकार कर्तव्य के साथ ही मिलता है। तो क्या मतलब है तेरा, मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया? अपने आप से पूछकर बताइए, आपने अपने कर्तव्य निभाए हैं? देखा आपने, देखा आप सबने किस तरह से बात कर रही मुझसे? अरे तो चाहती नहीं कि इस घर में सुख शांति बनी रहे, वरना दादी सा के खिलाफ कभी नहीं जाती है। गलत नहीं कहती दादी सा, अगर बिना पढ़े लिखे ये हाल है तो जरा सोचिए आप लोग, ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो उसका दिमाग कितना खराब हो जाएगा। मैंने हमेशा यही सुना है, शिक्षा से दिमाग के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। शिक्षा कभी किसी का दिमाग खराब नहीं करती। और आप ही तो मुझे हमेशा फोन पर कहा करते थे ना कि आनंदी शहर में आकर देखा, यहाँ पे लोगों की सोच कितनी अलग है। आनंदी अपनी रसोई से, अपनी मसालों की दुनिया से बाहर निकल कर देख, पढ़ाई इंसान को क्या से क्या बना देती है। घर के काम को और बड़ों की सेवा को अपना जीवन समझूं, तो भी आपको तकलीफ है कि अपनी अनपढ़ बीनी को अपने दोस्तों से कैसे मिलवाए, शर्म आती है आपको। और अगर मैं पढ़ना चाहूं तो भी आपसे देखा नहीं जाता, तो आखिर करूं तो करूं क्या मैं, आप ही बताइए मुझे। अरे क्या फायदा ऐसी पढ़ाई करने का तो झूठ बोलकर की जाए। मैंने तो किसी कारण से सच छुपाया जगिया, लेकिन आपने झूठ का सहारा क्यों लिया? आप मुझसे पढ़ पोते की उम्मीद रखती है ना दादी सा, लेकिन आपके पोते को तो मुझे सबके सामने अपनी बिन्नी मानने से भी शर्म आती है। अपने दोस्तों से ये कहकर इन्होंने मेरा परिचय करवाया कि मैं सिर्फ इनकी एक रिश्तेदार हूं। हाँ सासू मां, आपका बेटा अब जगदीश नहीं रहा, नहीं रहा। जगत बन चुका है। नाम दर्ज करवाया है ना अपने कॉलेज में अपना, और इस छोटे से गांव जैतसर से भी इनका कोई नाता नहीं है। ये तो जयपुर के रहने वाले हैं। और आज भी अगर मैंने पढ़ाई करना चाहा तो सिर्फ अपने बींद के मान सम्मान को बचाने के लिए। जब एक पति अपनी पत्नी को पत्नी मानने से इनकार कर दे तो बहुत दुख होता है।